हाय इरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम सब देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट हुई है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्म से वो आपको आने वाले जो अगले 15 दिन हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें, ओके। और आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ओके। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, ठीक है। तो उन्हें उस वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ओके। जनरल रीडिंग्स इसी तरीके से देखी जाती हैं और साथ ही ये जनरल रीडिंग्स हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स मैं आपकी जो एनर्जीज हैं वो पिक नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लीव कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनि देव का कार्ड है यहाँ पर। होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ओके। टर्निंग पॉइंट्स, ओके। हायरोफेंट और हर्मिट, थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं आपके। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 दिन में मिलने वाला है। मतलब कैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आपको नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर मिलेगा, ओके। हाँ बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप में से कुछ लोगों के लिए एरीज, कुछ ऐसे पलटवार, मतलब पलटवार कह सकते हैं हम उन्हें, कि कुछ ऐसे सिचुएशंस पलटने वाली हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सोचा था बिकॉज ऑफ योर कर्मास। मतलब आपके जो गुड कर्मास हैं ना, मतलब उनके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे किसी ऐसे सिचुएशन में जो शायद आपकी किस्मत में नहीं थी, या फिर यस जो शायद आपकी किस्मत में नहीं थी, और या जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। अब वो चेंजेस, वो बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज हैं जो आपको बोल रहे हैं कि अब कर्मों का फल लेने का वक्त आ गया है, ओके। ओके। और मैं कहूँगी कि मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये कार्ड निकला है तो आपको अभी ही ऐसा करना चाहिए। हम सभी को ही हमेशा अच्छे कर्मा पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त में भी, वैसे भी जैसे कि आपको पता है 2024 जो है शनि देव जी का ही ईयर है, तो आप जितने अच्छे कर्मास करेंगे, खास करके जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी जितनी मदद करेंगे हर तरीके से, दिल से, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है कि आपको बदले में कुछ चाहिए, राइट। तो दिल से, मतलब सच्चे दिल से, बस आपको उनकी मदद करनी है, शो ऑफ नहीं करना है, सोशल मीडिया पे नहीं डालना है कि आप किसी की मदद कर रहे हो, या फिर मतलब आप सिर्फ ये टैगिंग करके कि हाँ दूसरों को भी करनी चाहिए, हम इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, नहीं। ये एक गुप्त
आपको बोला जा रहा है, ठीक है, लोगों की मदद करना, ठीक है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो ज़रूरतमंद कोई भी हो, ठीक है, जिस भी फॉर्म में आप उनकी मदद कर सकते हैं कीजिए, अपनी तरफ से मतलब 1000% अपना दीजिए इस डीड में, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो काम आपके नहीं बन रहे हैं ना, वो भी काम आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे अब आपका समय बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सभी लोग थोड़ा सा ना शांत बैठ जाइए और अपने अंदर ध्यान लगाइए कि आपने अभी तक क्या किया है। अगर आप में से कुछ लोग, अगर देखिए ये कार्ड क्या डिपिक्ट करता है, ये कार्ड कर्मा के बारे में बताता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो इसका मतलब सभी के सब अच्छे ही नहीं कर्म कर रहे हैं, बीच में बुरे कर्मास भी हैं, तो कहने का मतलब हर उस चीज़ का आपको यहाँ पर फल मिलेगा। और अगर आप किसी तरह की बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे, बुरे समय से आप लोग गुजर रहे थे, और लेकिन आप ऑनेस्ट थे, ठीक है ना, आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करा है, तो माय डियर अब उसका बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वाओ, अभी शनि महाराज आ गए हैं और वो रिजल्ट देने आ गए हैं बस। वाओ, अभी आपको ऐसी चीज़ें लगने वाली हैं एरीज, जो चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी, कि जिन चीज़ों में रुकावटें आ रही थी, जो आगे बढ़ नहीं रही थी, राइट, वो काम आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, जिन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, ओके, लोगों की मदद करी है, ये उनके लिए मैसेज है। ब्यूटीफुल, अब आपका एक नेगेटिव साइकिल को क्लोज करने का और एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। वाओ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू ये क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज जो है ना, आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और मटेरियल लाइफ, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ जो है और स्पिरिचुअल लाइफ जो है, उसमें बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अगर अपने रिश्तों में दे रहे हो, अपने करियर पर दे रहे हो, अपने फाइनेंसिस की तरफ देख रहे हो, बस इन्हीं की तरफ हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो ही नहीं। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो लेकिन आप अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा नहीं दे रहे हो, अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो और रिश्तों की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। तो अगर कहीं आप आउट ऑफ बैलेंस हो इन दोनों चीज़ों में, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, तो अगर कहीं भी आउट ऑफ बैलेंस हो तो उन्हें बैलेंस करके चलना है आपको अगले 15 दिन। क्योंकि जितना आप देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको गुड डीड्स भी करने हैं, बेसिकली ये भी आपके जो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअलिटी है और प्रैक्टिकल लाइफ है ना, उसको बैलेंस करने में लेकर के आएगा। अगेन जो मैंने आपको बोला कि आपको नीडी लोगों की मदद करनी है, वो क्या बताता है, इक्वल गिव एंड टेक को बताता है, बैलेंस करने को बताता है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये नेक्स्ट 15 डेज आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस है, ओके, जहाँ जहाँ जिधर जिधर आउट ऑफ बैलेंस है वहाँ पर बैलेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। मुझे लिब्रा की एनर्जीज यहाँ पर बहुत मिल रही है। थैंक यू भोले बाबा। और जिसे कहते हैं ना कि सच का साथ देना है, सच के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत और आप कितने ऑनेस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका थीम है माय डियर, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये आपका थीम है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आगे आने वाले नेक्स्ट जो 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो मतलब आप कितने सच्चे तरीके से, सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। शनिदेव क्या कहते हैं, ठीक है, वो गलत चीज़ों को बिल्कुल नहीं सहारते, जो जैसा है उसको वैसा दंड मिलेगा, जिसने जितना अच्छा काम करा है उसको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब उसके लिए आपको स्ट्रांग रहना है। और अगर आपने कोई काम करने के बारे में सोचा है तो उसे कीजिए, डिले मत कीजिए। खासकर अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को तोड़िए मत, ओके, उस प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है आपने, ओके। नेक्स्ट 15 डेज और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो 15 डेज रहेंगे ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें। आपका जो नॉर्थ नोड है, आप उसे उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये आपके लाइफ पर्पस की बात करता है, सही ट्रैक पर आना, ठीक है, सही पाथ पर आना, ये मुझे वो एनर्जीज आपकी दे रहा है। वाह, और जो जो लोग अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करते हैं ना, वो लाइफ में बहुत चमकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके नॉर्थ नोड का यहाँ पर स्टार है ना, मतलब ये वो चमकने वाली ऊर्जा होती है कि आप अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पर जी रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो कि आपका नॉर्थ नोड किस राशि में है, और उसके बारे में आप जान सकते हो कि आपको किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आपको ना बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखाई दी जा रही है, ठीक है। डिवाइन आपको बिल्कुल सही पाथ आपको दिखा रहे हैं, सही दिशा की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं। अभी तक जहां आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, या फिर कहीं आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, इल्यूजन्स बहुत थे, तो वहां आपको डिवाइन जो है नेक्स्ट 15 डेज में ना वो रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने का, कि आपको किस तरफ जाना है। हालांकि वो हो सकता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर की वो चीज़ हो, बट आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो, राइट। एक कार्ड और लेना चाहूंगी आपके लिए। What do you need to release? Yes, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको नेक्स्ट 15 डेज में, कुछ तो है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अभी वो आपके अंदर का भय भी हो सकता है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई नेगेटिव सोच हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशंस बेसिकली हो सकती है, पास्ट का आपका खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी भी, वो आपके अंदर हो सकती हैं, आपके बाहर हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी मुश्किलों में डाले हुए हैं, ठीक है, जो आपके पाथ को इजी नहीं करने दे रहे। एक होता है ना जिसे कहते हैं हम कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो कोई चीज़ है आपकी लाइफ में अभी भी जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। अभी वो स्पेसिफिकली कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, या आपकी खुद की आदत, आपका खुद का डर, भय, आपका खुद की कोई एनर्जी हो सकती है जिस वजह से कि यहाँ पर ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वक्त है थोड़ा सा ना अपने अंदर टैप इन करने का, ठीक है, ये जानने पहचानने का कि क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, उस पर काम करने का और उस एनर्जीज को रिलीज करने का, क्योंकि अब वक्त है आगे बढ़ने का। एरीज, अब वक्त है आगे बढ़ने का। माय गॉड, आई रियली डोंट नो, मुझे ना ये बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अगर कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज देख रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो आप, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, आउट ऑफ बैलेंस हो आप, ठीक है, तो इस वजह से कि आपका रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या तो आप अपने ट्रू पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप किसी के साथ हो, अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, थीके? तो थोड़ा ना यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, कहीं तो आप आउट ऑफ बैलेंस हो। अब वो आपको देखना है कि आप कहाँ पर हो। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं वही बेसिकली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ओके, मुझे आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल तो लग ही रहे हो कि फोकस कर रहे हो, बट कुछ लोग हैं यहाँ पर जो स्पिरिचुअली नहीं अलाइनमेंट में है, तो आप लोगों को यहाँ पर उस अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माकाली, प्लीज़ बताएं। एरीज, मेष राशि,
थैंक यू फिल्म बाबा, थैंक यू मकानी, प्लीज़ बता आपके बच्चे एरियस मेष राशि वाले जो है नेक्स्ट ओके ओके एम्परर एरीज, आप लोग ना अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है? आप लोगों को बस आप लोगों के माइंड में नहीं अब यही चीज़ है कि मुझे मेरी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अब रेडी हो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैंने आपको बोला ना कि कुछ है आपकी लाइफ में, मे बी आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? तो नेक्स्ट 15 डेज आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिस बेसिस पर आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में डिसीजन बना पाओगे, ठीक है? यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना किन्हीं ना किसी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, ठीक है? कोई एक बड़ा डिसीजन आप लोग यहाँ पर बना रहे हो क्योंकि आप उस एनर्जीज में हो, आप कोई एक बड़ा डिसीजन इन नेक्स्ट 15 डेज में लेने जा रहे हो, वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है और कहीं ना कहीं मुझे ये डिसीजन ना आपके बिल्कुल अलाइनमेंट में लग रहा है, ठीक है? कि आपको इसी तरफ जाना है, बहुत क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है आपको, ठीक है? जिसको लेकर के कि आप एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाने जा रहे हो जिसमें आपको बहुत सक्सेस, बहुत सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। और ये कुछ है कि जैसे कि आप पास्ट का बैगेज कहे या फिर कुछ इल्यूजन्स या फिर कुछ बंदिशें, मुझे कुछ यहाँ पर वो एनर्जीज फील हो रही है कि उन बंदिशों को ना आप काट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? मुझे यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जीज मिल रही है, जैसे किसी चीज से आप फ्री हो रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होइए, ठीक है? आपको पता चलेगा कि ये आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं से आप जैसे मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्रीडम आपको मिल रही है और उसको लेकर के आप बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है? बहुत ही ऐसी एनर्जीज है कि यस, जो शायद आपने पहले नहीं सोचा था करने का वो कर रहे हो आप, ठीक है? उसको लेकर के आप डिसीजन बना रहे हो, तभी आपके लिए यहाँ पर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आया है कि आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है? जो आपने शायद सोचा नहीं था कि उस तरफ आप डिसीजन लोगे, एक्शन लोगे या ऐसा आप कभी करोगे अपनी लाइफ में, तो बेसिकली उस तरफ आप जा रहे हो। और यहाँ जो है ना आपके लिए जो शनि देव है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बस जो भी करना है ऑनेस्टी के साथ करना है, ठीक है? और ये कार्ड भी आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपके ट्रुथफुलनेस को बताता है, आपकी सच्चाई को बताता है, आपके सच्चे होने को बताता है, ठीक है? ब्यूटिफुल। आई रियली डोंट नो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है? रेजोनेट हो तो कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का लीगल केस चल रहा है और उसमें किसी को सफलता मिल रही है। आई रियली डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा मिला मैसेज, ओके? और यहाँ पर कुछ है, आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको अगर अभी तक डिलेज मिल रही थी ना, अभी तक आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे और आप अपनी तरफ से 1000% दे रहे थे, जिसे कहते हैं कि यस आप उस लायक थे, तो आपको वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके? क्योंकि यहाँ पर ना आपके माइंडसेट में एम्परर की एनर्जीज हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो और उसको लेकर के आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बड़ा डिसीजन आप यहाँ पर बना सकते हो। कहते हैं ना कि कुछ भी कर लूँगा मैं, बस मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब मुझे मेरी लाइफ में मुझे आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना है या फिर इनस्टेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। थैंक यू भोले बाबा। बट एक बात तो फॉर श्योर है माय डियर एरीज कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है? मतलब ये वो वाली एनर्जी है जिसे कहते हैं ना कि ये वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, वो एक आप उस वक्त पर उस टाइम पीरियड में आ गए हो कि अब आपको वो डिसीजन लेना ही है, ठीक है? ओके, आपके लव इन अदर रिलेशनशिप्स, लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसा रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में? ओ माई गॉड, यहाँ पे कर्मा का कार्ड बहुत आ रहा है, जजमेंट का कार्ड है वैसे ये कर्मा। वाओ, ग्रेट। करियर,
फोर ऑफ कप्स, हेल्थ, लवर्स, एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज या ब्लॉकेज क्या हो सकता है आपका, चैलेंज या ब्लॉकेज क्या हो सकता है इसका, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर कोई एक साइकिल है जो आपका क्लोज हो रहा है, ये वर्ल्ड जो था ना अभी वर्ल्ड का कार्ड टर्न भी हुआ था जो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं शफल कर रही थी उस वक्त में, और ये अभी लिटरली यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, ये कार्ड वर्ल्ड की एनर्जीज है, और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लोग यहाँ पर मनाने वाले हो, और एक नए साइकिल में आप टैप इन कर रहे हो, पुराने साइकिल को आप क्लोज कर रहे हो, बट अभी भी ना कुछ चीज़ें हैं, ये जो रिलीजिंग वाली एनर्जीज मुझे मिल रही है ना वो यही है कि जो आपका पास्ट था पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, कोई पुरानी सोच हो सकती है, ठीक है, कोई पुराने डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है, कोई आप बहुत बड़ा एक स्टेप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, और आपका एक ब्यूटीफुल साइकिल, एक ब्यूटीफुल आपका डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, एक न्यू मतलब एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका, अब वाओ। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे आपकी अदर रिलेशनशिप्स है माय डियर, अगेन यहाँ पे कर्मा का कार्ड यही बता रहा है कि अब जो चक्र है ना वो घूम रहा है, जिन भी समस्याओं में आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के, जो भी स्पेसिफिकली जो भी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है मैं कितनी बताऊँ आपको, ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये जो लोग सिंगल है हो सकता है आप लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा, ठीक है, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपको पार्टनर नहीं आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, सही पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे या कुछ ना कुछ परेशानियां आप लोग झेल रहे थे, ठीक है, अदर रिलेशनशिप्स में हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज आप लोगों की बात नहीं बन रही थी या फिर अच्छी बातचीत नहीं हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है किसी एक बैड साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, कुछ ना ऐसा था। देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, अभी तक जो भी आपने रिलेशनशिप में देखा है, ठीक है, वो सब आप ही के कर्मा का ही फल था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। देखिए अभी वो बात नहीं होती है कि आपने इस जन्म में कुछ ऐसे कर्मा करे थे तो उसका ये फल है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं हमने इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया नहीं है तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, तो माय डियर ये कुछ पिछले जन्म का जो है कर्मा है आपका जो आपको इस समय यहाँ पर भुगतना था, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो अब वो जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर रिश्तों में आप लोगों के जो है एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, पर एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ एरीज, आप लोग ना आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन बहुत कर रहे हैं, क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में जब से मैंने होश संभाला है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। तो आपका जो फोकस है, आपका जो माइंड है और आपका जो फोकस है वो किन चीज़ों पर है, पास्ट की चीज़ों पर, नेगेटिविटी पर, ठीक है, तभी आपके लिए यहाँ पर आया था कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो कुछ चीज़ें हैं आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं कि उन्हें रिलीज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है ना फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो ये मर्मेड है ये एंजल ही है किस्म की, तो जो मर्मेड है यहाँ पर एक ऑफर कर रही है कप को जो कि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बट आप अभी अवेलेबल ही नहीं हो वहाँ पर, आप तो खोए हुए हो। कहाँ खोए हुए हो आप, पास्ट में, कि मुझे ये नहीं मिला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया था, ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सफ़र करा है। तो कहने का मतलब कि इस ऊर्जा से आपको बाहर आना है, रिसीविंग मोड में आपको रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है।
और आपके लिए सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए. जो कुछ आपके पास है, ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है ना, उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. अपनी लाइफ में अच्छे रिश्ते, जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी आपके पास है, जो आपको समझते हैं, जो आपके अपने हैं, उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. एटलीस्ट वो तो मेरे साथ है, ठीक है. जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर के आपको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है. तो जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज क्या होती है, थैंक यू बोलना, ठीक है, कि ही ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, मेरे पास मेरे पति हैं, या मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, ठीक है. तो कहने का ये मतलब है, या फिर मेरे पास एक अच्छी जॉब है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, या एटलीस्ट मैं खाना तो खा पा रहा हूँ. कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है. आप बाहर जाकर देखिए, जब आप किसी की मदद करने निकलेंगे ना, जब आप किसी ऐसे लोगों की तरफ जाएंगे जो बहुत ही बेचारे डाउन है, आप उनको खाना देने जाते हैं ना, तो वो कैसे झपटते हैं. आप देखिए उनके लिए छोटी छोटी चीज़ भी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मायने रखती है. तो आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपको घर बैठे वो चीज़ मिल रही है, राइट. आप आराम से बैठ करके अपने घर में खा रहे हो, ठीक है, आपको सफ़र नहीं करना पड़ रहा है. तो हर उस चीज़ के लिए, उन आँखों के लिए, ये जो जब आप बोल पाते हैं, आप लिख पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है, आप अपने हाथों को यूज़ कर पाते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, मतलब हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. अभी पता क्या है, कुछ लोग ना यहाँ पे बोलते हैं बड़ा आप ज्ञान झाड़ देते हो. तो कहने का मतलब, अगर आपको ज्ञान लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है. तो मुझे तो जो मैंने मैसेज मिलेगा मैं आपको वो बोलूँगी, ठीक है ना. जिन्हें अच्छा लगे वो सुनिए, जिन्हें बुरा लगे वो जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आपको किसी ने रोका नहीं है, ओके. तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में जितना आप रहेंगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में जो आप आउट ऑफ बैलेंस हो ना, वहाँ बैलेंस आएगा. क्यों? क्योंकि उसके बाद यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज है, खासकर मुझे रिश्तों में लग रहा है, किसी रिश्ते में या रिश्तों में, ठीक है. और अगर आप किसी ट्रू सोलमेट कनेक्शन को या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा. पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है, ओके. तो रिश्ते यहाँ पर, रिश्तों में आपको यहाँ पर चेंज अब देखने को मिलेगा. जजमेंट का टाइम यहाँ पर आ गया है, कर्मा का कार्ड है. अब आपको कर्मों के वो जो नेगेटिव कर्मास थे वो रिलीज हो रहे हैं. अब जिसे कहते हैं कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में टैप इन करेंगी, बट उनके लिए जो आपके थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है ना, वो चेंजेस लाइए, अपने अंदर बैलेंस लाइए, अपनी सोच में बैलेंस लाइए, ठीक है. अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन तो आ गए हैं. देखिए ये कर्मा का कार्ड बेसिकली क्या कहता है, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये ग्रहण ही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी निकल रही है. ये ग्रहण हटने वाला है, ठीक है. और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब ये जो वक्त है ना, ये वक्त है अपनी शैडो पर वर्क करने का, ठीक है. आपके अंदर क्या खामियाँ हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी नेगेटिविटी हैं जिन्हें रिलीज करना है, अब ये वक्त उनका है. क्योंकि इसके बाद का जो समय है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है, ठीक है. तो ये वक्त अपने ऊपर काम करने का है, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है. रिश्तों में मैं एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, ठीक है. पर उसके लिए आपको भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ओके. अब बात करते हैं यहाँ पर आपके करियर की. तो करियर में यहाँ पर आपके लिए फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा है. अगेन मैं वही बात बोल रही हूँ, फोर ऑफ कप्स क्या कहता है, फोर ऑफ कप्स यही बोलता है कि आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है, ठीक है. आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ ना कुछ, करियर में, बिजनेस में आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसे कहते हैं कि वो आके आपका दरवाज़ा खटका रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आप नेगेटिव हो, ठीक है. तो आप अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें पॉजिटिव कीजिए. जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप इस एनर्जीज को रिसीव करने वाले हो. बस अपने आँख कान को ओपन रखो, ठीक है. और जो लोग यहाँ पर बहुत इमोशनल किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या फिर आप छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेट हो जाते हो, ठीक है, या फिर अभी भी आप पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो,
कि मुझे मेरी लाइफ में वो इंसान नहीं मिला, या फिर मेरे मुझे मेरी लाइफ में मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, वो मेरी फेवरेट थी बट वो मुझे नहीं मिली. अभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ों में अटके हुए हो ना, तो चेंज कीजिए उस एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई एक एनर्जी है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है, ठीक है, वो आपका तसल्ली से वेट कर रही है, बट आप हो कि आप पास्ट से या नेगेटिव उससे बाहर नहीं आ रहे हो. कोई चीज़ तो है फॉर श्योर, 100% कोई चीज़ है जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हो. तो डिवाइन आपके यहाँ पर बोल रहे हैं, वहाँ से अगर आप ध्यान हटाओगे तो वहाँ आप देखोगे ना कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसे आपको ग्रैप करना है, राइट. तो अगर आप उसे ग्रैप कर लेते हो, माय डियर, यहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में. बहुत मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, बहुत मनी को. ये लिटरली मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सीरियसली बताती हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, सभी के लिए मैसेज नहीं है. कि कोई ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, और बट उनका जो खुद का हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस हो, वहाँ पर एक इनविटेशन है उनके लिए कि अगर वो वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ टैपिंग करो, पर आप हो कि जाने के लिए रेडी नहीं हो. लेकिन अगर आप वहाँ जाते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर बहुत अच्छी मनी को मैनिफेस्ट करोगे, और ये आपको जिसे कहते हैं ना कि आपके दिल के भी बहुत करीब होगा, ठीक है, मतलब आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो, बहुत अच्छा फील करने वाले हो. तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर ऐसी मिल रही है, ठीक है, ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, तो जिनके लिए है वही लें, ठीक है. ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, माय डियर, ठीक है. हेल्थ में आपके लिए जो कार्ड आया है ना यहाँ पर, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप बिल्कुल आप अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न्ड हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर के कर रहे हो, ओके, और जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो. बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, ओके. तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ को लेकर के. हो सकता है आपने कुछ ज्वाइन किया हो, कोई योगा क्लासेस, मेडिटेशन, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, कुछ ना कुछ आपने ज्वाइन किया हो सकता है, कोई डांस क्लासेस आपने ज्वाइन की है, या कुछ ना कुछ जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए. तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं पेशेंस रखो, चीज़ें धीरे 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 हील हो रही हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें उस स्पीड से क्यों नहीं चल रही हैं, उतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, तो डाउट्स मत लेकर के आना, ठीक है. आप बिल्कुल सही चल रहे हो, जो भी आपने डिसीजंस लिया है बिल्कुल सही लिया है, और उस पर अडग रहिए, आप वो काम करते रहिए, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट मिलेंगे, भले ही अभी वो स्लो है, क्योंकि शनि देव का यहाँ पर ये साल है, तो चीज़ें कुछ स्लो भी रहेंगी, तो डोंट वरी, लेकिन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि सही दिशा में जाते जाते ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि पता नहीं ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, उस हिसाब से देगा कि नहीं देगा, समझ रहे हो आप. तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है. और बाकी सबकी अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस्ड रहने वाली है, कोई इशू नहीं है, ठीक है. अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की. तो स्पिरिचुअलिटी में ना कोई एक नया डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ नया आप ट्राई करने वाले हो, ठीक है. हो सकता है कि अभी तक आप अगर घर पर ही मेडिटेशंस करते थे, तो अभी आप कहीं मेडिटेशन क्लासेस आप ज्वाइन करें, या फिर कुछ देखिए स्पिरिचुअलिटी में बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, ओके, बहुत कुछ होता है, जैसे लाइट लैंग्वेज हो गया, बहुत से म्यूज़िक, और अभी तो कुछ चीज़ों का मैं आपको मतलब प्रोनाउन नहीं कर पाऊँगी उन चीज़ों के बारे में. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को हील कर सकते हैं. तो कहने का मतलब कुछ नई नई चीज़ें आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो, ठीक है, उनसे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ नया आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है. वाओ, अच्छा, अब बात करते हैं आपकी ब्लॉकेज की, ठीक है. तो ब्लॉकेज देखिए यहाँ पर आपके लिए जो ब्लॉकेज आ रहा है ना, कुछ है यहाँ पर विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे यहाँ पर फैमिली नज़र आ रही है, फैमिली को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर होना, थोड़ा सा डिसकम्फर्ट में जाना, मतलब आप ना एक बात मैं बताती हूँ जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, एरीज, आप लोग ना कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बड़ा एक डिसीजन बना सकते हो, लेकिन जहाँ पर फैमिली बीच में आ जाती है ना, मतलब फैमिली को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर कि
ये डिसीजन सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फैमिली को लेकर के थोड़ा सा फियर या फिर फैमिली का पूरा सपोर्ट नहीं उस सिचुएशन में मिले तो वो थोड़ा आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डाल सकता है या वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। हो सकता है कुछ बड़े डिसीजन आपको बिना फैमिली के सपोर्ट के लेने पड़े, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज का कार्ड है, लिटरली ये चैलेंज का कार्ड है। और मैं बहुत गहराई से इसे फील कर पा रही हूँ कि आप लोग ना कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें कि शायद आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं हो। अभी वो लॉन्ग डिसीजन लाइफ को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है, कि जिसमें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं दे रही है, वो ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। वो आपके लिए एक चैलेंज है, बट फिर भी आपके अंदर वो करेज है, ओके। और यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात तो एरिस बोलूँगी, जो आपका डिसीजन है, पहली बात तो अगर आप पूरी तरीके से रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, तो अपने ऊपर डाउट मत लाना जो आप डिसीजन ले रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। भागो मत, यहाँ पर भागना नहीं है, हालांकि ये नाइट का कार्ड है, लेकिन ये बहुत ठहराव वाला है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है, इसको कोई जल्दी नहीं लगी है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं किसी भी तरह की जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना है कॉन्फिडेंटली करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है, उस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डाउट्स लाओगे तो फिर गलत डिसीजन ले लोगे, फिर जहाँ आप आगे बढ़ोगे वहाँ पर भी आप सही दिशा सही से काम नहीं कर पाओगे, या उस डिसीजन को ना आप हैंडल नहीं कर पाओगे, वहाँ पर भी फिर डाउटफुल एनर्जीज में रहोगे। पहले वन पॉइंट आपका क्या है, नंबर वन, कि आपको पहले तो प्रिपेयर होना है। अगर आपको फील होता है कि यस मैं प्रिपेयर हूँ इस बड़े चेंज के लिए या इस चीज़ के लिए, तो यस आप एक्शन लीजिए और अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर डाउट नहीं रहना है, कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, धीरे 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 आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोलेबाबा, थैंक यू महाकाली। और क्या एरियस मेष राशि वालों को कहना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एरियस मेष राशि, नेक्स्ट 15 डेज, टेम्पटेशन, थर्ड चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, यस स्टैंड योर ग्राउंड, ओ बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी, ब्यूटिफुल, अथॉरिटी का भी कार्ड है आपके लिए। एंड देखिए, मैंने बोला ना कि भागना नहीं है आपको, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थर्ड आई का, ओह जो मैंने आपको बोला आपका थ्रोट चक्रा, वो भी आ गया, ठीक है। तो ये थ्रोट चक्रा, ठीक है, ये भी हम लोग ले लेते हैं, ओके। लाइट, यस सक्सेस है भाई आपकी लाइफ में, ठीक है। आगे जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। किसी तरह के शॉर्टकट को आपके नहीं अपनाना है, आपके लिए गाइडेंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। किसी तरह के शॉर्टकट को, किसी तरह के लालच में आपको नहीं आना है, कोई आपको उलझाए, कोई आपको शॉर्टकट बताए कि अरे तुम कहाँ इतने लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हें शॉर्टकट बताते हैं, यहाँ से चलो या ये करो, ये इसमें तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जो आप ट्रुथफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का ना यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और ख़ासकर जो शनि महाराज यहाँ पर आपके मेन उसमें आए हैं, ठीक है, तो वो तो किसी भी तरीके के वो मेहनत मांगते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, अगर आप कहीं पर मेहनत डाल देते हो ना, कहीं पर अपने एफर्ट्स डाल देते हो ट्रुथफुली, तो उसके वो 1000% आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन जहाँ आपने किसी चीज़ से जी चुराया या कहीं आपने शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश करी, वहाँ आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आपने कहीं रिश्वत दी, कहीं रिश्वत ली, ठीक है, या फिर किसी तरह के शॉर्टकट को अपनाया, किसी तरह के आपने जिसे कहते हैं कि ट्रू
एनर्जी से भटक गए आप, ठीक है, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वहां पर आपको जो है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है, जैसे कर्मास वैसा रिजल्ट, तो आपको देखना है कि आपको किस तरह के। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड है, दो चीजें होती है, ठीक है, या तो आप मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, और सफलता को प्राप्त कर लीजिए, या फिर आप किसी ना किसी तरीके के शॉर्टकट को अपनाइए और फिर उसके रिजल्ट भी आपको जीरो ही मिलेंगे, ठीक है, उसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने गलत तरीका अपनाया। तो ये दो चॉइसेस आपके पास हैं यहाँ पर इन नेक्स्ट 15 डेज में। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं दोनों में से चूज आपको करना है, अगेन टू चॉइसेस, चूज आपको करना है। और आपके लिए जो कार्ड आया था ना, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो क्लैरिटी तो आपको मिली गई है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। बट यस, इस कार्ड के साथ मुझे ये यहाँ पर बहुत एनर्जीज मिल रही है कि आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत आने वाली है। ऑलवेज ये डेविल का कार्ड नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है, जिस तरफ भी आप जाग रहे हो, ठीक है। और थर्ड आई चक्र का यहाँ पर कार्ड है, माय डियर, जो भी डिसीजंस बनाने हैं ट्रुथफुली बनाने हैं और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड बनाने हैं, यहाँ पर ना डिवाइन आपको बोल रहे हैं अब वक्त आ गया है अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट होने का, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने का, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होने का। दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आया था ना, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो यहाँ पर आपको अपनी थर्ड आई पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओम की आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लीजिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और आइज क्लोज करके बस थर्ड आई पर फोकस कीजिए। आपको बस इतना ही करना है, या डेली अगर आप ओम की चैंटिंग भी करते हो तो वो भी इनफ है, ठीक है, वो आपकी थर्ड आई को ओपन करने में आपकी मदद करेगी। अब थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नज़र में आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होंगी, आपको आभास होगा, ठीक है, आप सेंस कर पाओगे कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपके लिए सही है या गलत है। कोई आपको अगर ऑफ़र दे रहा है, डेफिनेटली अगर कोई प्रैक्टिकल आपको ऑफ़र दे रहा है तो आप समझ जाओगे भाई ये शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको कोई बात भी बोल रहा है लेकिन उसके पीछे इंटेंशंस बुरी है तो वो आप सेंस कर पाओगे, ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। और थर्ड चक्रा तो माई गॉड, ट्रुथफुली अपने साथ ऑनेस्ट होकर के, देखिए डिवाइन को कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, डिवाइन से कोई झूठ नहीं बोल सकता है, तो डिवाइन को सब पता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो बस ट्रूथफुली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, सच के साथ रहना है, दैट्स इट, शनि देव है, सच के साथ आगे बढ़िए, बहुत ब्लेस करेंगे। ओके, थैंक यू मकानी, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को, एरीज मेष राशि वालों को, और क्या आप गाइडेंस मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ, यहाँ पर है पेशेंस, देखिए आपके लिए पेशेंस का, यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यही आया, किसी चीज़ की जल्दबाजी में हो एरीज आप लोग, माय डियर जल्दबाजी मत करो, ठीक है, पेशेंस का कार्ड है आपके लिए, बी पेशेंट, बी पेशेंट, ठीक है। अब देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये लेडी जिस टाइम पीरियड में है, प्रेग्नेंट लेडी, मदर गाया को डिपिक्ट करती हैं ये, तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा टाइम है और, ठीक है, तो पेशेंस लाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपने अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो उन्हें बैलेंस कीजिए, ठीक है। एंड यस, मूड स्विंग्स की बात आई है तो मैं आपको बता देती हूँ, अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए आप मुझसे ब्रेसलेट बाय कर सकते हो, ओके, यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू भोले बाबा। ओ माई गॉड, कम्प्लीशन, अगेन कम्प्लीशन, वर्ल्ड की एनर्जीज, ओ माई गॉड भाई, चैप्टर कम्प्लीट होने वाला है, अब भटकना मत एरीज माई डियर, प्लीज़ किसी गलत पाथ को चूज मत कर लेना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, लवर्स का कार्ड है, बिल्कुल एक्यूरेट, सही दिशा में जा रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बट बिल्कुल सही बढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे आपकी लाइफ में, मन भटकेगा, लोग ऐसा आपको बता सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गलत राह पर डाल सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, मैंने ज़्यादा कार्ड ही ले ली, कॉन्शियस,
मैंने आपको अभी बोला ना, अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए। लिटरली ये जो कॉन्शियसनेस की एनर्जीज है, यहाँ पर ना आपको अपने थर्ड आई पर, जैसे ये वाइट कलर का बिंदी है ना, इस तरह की वाइट कलर की बिंदी को आपको फील करना है। इसे विजुलाइज कीजिए, स्टार्टिंग में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, मैं भी करती थी, ठीक है। उसके बाद अपने आप आपको, जब आप आंखें बंद करेंगे ना, ध्यान में बैठेंगे, आपको अपने आप दिखाई देगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इसी कार्ड को ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। होप आपको विजिबल हो, ठीक है। तो इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो वाइट कलर है ना, आप इसको ध्यान से देखिए और आइज बंद कीजिए, और उसी वाइट डॉट को आप अपने यहाँ पर थर्ड आई में विजुलाइज कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना है, उसके बाद आपको अपने आप वो विजिबल होगा, ठीक है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। ब्यूटिफुल रिपनेस, देखो कितना प्यारा कार्ड है ना। तो रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेंगे। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, आपके स्पिरिट गाइड एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं। एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। मरकट, ओके, गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ना आपको माय डियर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ना ऐसे दोस्त, पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास दोस्त कैसे हैं, ठीक है। मैं ये कार्ड लूँगी आपके लिए, माउंटेन गोट, अभी बताती हूँ। तो आपके आसपास दोस्त कैसे हैं, ठीक है। लाइक माइंडेड लोगों को आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है थोड़ा ना। जैसे यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू रिलीज की एनर्जीज थी, तो जो लोग आपको लगता है कि आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, जो ट्रूथफुल नहीं है आपके साथ, ठीक है, जो आपसे जेलस फील करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आपको रिलीज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। मतलब आपको थोड़ा ना लिमिट करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज को, कि आप किसके साथ अपनी एनर्जीज शेयर कर रहे हो। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, कि आप किसके साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करते हो। इसलिए ज़्यादातर जो एम्पाथ्स होते हैं ना, वो बहुत उनके फ्रेंड्स नहीं होते या फ्रेंड्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आप किनके साथ अपनी एनर्जीज शेयर कर रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, वो आपको बिल्कुल सही दिशा की तरफ आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। लेकिन जो गलत लोग होंगे ना, या फिर गलत दोस्त होंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस वक्त में थोड़ा इस एनर्जीज पर काम करने की ज़रूरत है, कि कैसे आसपास आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एंड माउंटेन गोट है यहाँ पर आपके लिए, ओके। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। तो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि कुछ है जो आउट ऑफ बैलेंस है, जो हमने सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर बात करी थी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी, जो कि मैं आपको बताई रही थी कि ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो आउट ऑफ बैलेंस है। अब वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी हो उसको ठीक करने के लिए आपको करना है, ओके, उसके लिए एक्शंस लेने हैं आपको, ठीक है। यस, तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज की। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ। और अभी तक चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।